सुबह लेट उठो ना तो बाकी दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ गुजर जाता है। खत्म डिश हुए, कौन डिश खत्म को पटाऊं बच्चे को अपने, और हम दोनों मिलके थोड़ा सा चिल भी मार ले और एक्सरसाइज भी कर ले। तो आप लोग देखते रहिए। गुड मॉर्निंग दुनिया वालों, आज है जी मंडे, तो हम स्टार्ट करते हैं एक और नया दिन। गॉड क्या हो गया मुझे तो चलो चलते हैं, अब हम जाते हैं। होश बना होता है इंसान सुबह सुबह उठकर, तो वही मैं अगेन होश बनी हुई हूँ। तो मैं जाती हूँ अभी, ब्रश व्रश करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ, नाश्ता शास्ता बनाते हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ। हेयर इज तैयद नौरिंग वकार एंड यू वॉचिंग बोल ना सो बोल। तो चलो चलते हैं, आज का दिन स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये क्या देखो कितनी होश जमी है, कितनी होश जमी है यहाँ पे। अल्लाह पीछे से बाहर से दिखाते हैं, देखो सी एफ ओ गर्मी की ओर से यार ये तो सी, ये देखो दिखाऊं मैं आप लोगों को, ये देखो यहाँ पे गर्मी की कितनी ओस होती है कि हमारे, ये देखें दरवाजे पे बोल नाजो बोल सी, हमने दरवाजे पे अपना लिख डाला बोल नाजो बोल सी। वाह 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 वाट वाट वाट, किस कदर ओस जमी है यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे बोल नाजो बोल लिख दिया। आपको सही से नज़र नहीं आ रहा होगा शायद इतनी, ये देखो पानी 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 पानी, कोई बारिश नहीं हुई है, ये सब ओस जमी हो रही है, कपड़ों पे भी हमारी गिरी हो गई, शीशों पे ना, अब गाड़ी है ना नीचे सारी गाड़ियों पे इतनी ही ओस जमी हुई हो गई है, गरमाइश गरमाइश की तपिश। ये देखो मैंने बना ली थी चाय और अब मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता, मैंने कर लिया अपना नाश्ता और अब एंड में रह रही है चाय। तो फिर चाय पीते पीते मुझे याद आया कि अरे मैंने आप लोगों को अपना नाश्ता तो दिखाई, तो ये मेरी चाय जो मैं पीऊँगी आराम से बैठ के, अब हम वहाँ से उठ के यहाँ आके सो गए, सुबह 9 बजे के गए थे अभी तक नहीं आए। अब देखो कब आते हैं तो फिर मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या पकाना है। वैसे मैंने सोच तो लिया आज क्या बनाऊँगी, मैं पक्का तो हो गया मेरे माइंड में कि मुझे क्या बनाना है, मगर फिर भी एक होता ना कन्फर्मेशन कर लेना, तो मैं वो कन्फर्मेशन करूँगी मियाँ जी से कि मैं क्या बनाऊँ आज। बट फिर भी एक बार यू नो रीचेकिंग कर लेना चाहिए घर के फैमिली मेम्बर के माइंड की कि जी हम ये बना रहे हैं तो ये बनाएं कि ये बनाएं। हमेशा मेरे दिमाग में ना दो डिशेज होती हैं, ये बनाऊँ या ये बनाऊँ, तो आज भी मेरे दिमाग में दो डिश चल रही है कि ये बनाऊँ या आलू की बनाऊँ या आलू की कतलियाँ बनाऊँ। तो वकार आती है तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या बनाना बेटर है। ये मैं बना रही हूँ यहाँ पे आलू कीमा मटर का मसाला, जब ये मसाला हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स। ये फ्रीज किए हुए जो मटर है ना उनको आप पहले निकाल के भिगा के रख दें ताकि उसका सारा जो बर्फ है ना वो सब खत्म हो जाए, अच्छे से ये वो हो जाए सॉफ्ट हो जाए। सालन में मैंने आलू डाल के उसको थोड़ा सा पानी डाल के उसको दम पे चढ़ा रख दिया मैंने, जब तक आलू गलते हैं तो तब हम अपना आटा शाटा गूंथते हैं और ये मटर जो है मैंने भीग जाएगी, जब ये मटर अच्छे से हो जाएगी तो मैं इसको भी सालन में डाल दूंगी। यहाँ पे कर रहे हैं ये एडिटिंग, अब हम करेंगे जी प्रेस, वो कारज़मत के ड्रेस पे हम करेंगे प्रेस क्योंकि उनको जाना ही कहीं अर्जुन काम से, वो आते हैं जाते हैं आते हैं जाते हैं, यही करते हैं वो। तो जी अभी हम भूनने लगे हैं इसको अच्छी तरह से, कीमा आलू को और इसमें हमने डाल दी हरी मछली थोड़ी सी, फोन बना जाएगा तो फिर। विच फोन बेबी द फोन। चलो जी अब मैं तैयारी करने लगी हूँ रोटी की, अब मैं बनाऊंगी रोटी। कैसा लगा मेरा मजाक? मुझे अपनी चाय दिखाई नहीं दी, मैंने आज चाय पी भी ली है और फिनिश भी हो गया हाफ चाय में, मुझे याद आ रहा है मैंने दुनिया वालों को चाय नहीं दिखाई। यार आज ना मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लूं, यू नो थोड़ी सी जॉगिंग तो कर नहीं सकती, जाऊंगी नहीं कहीं जॉगिंग करने,
मैं सोच रही हूँ आज घर में ना मैं रस्सी शस्सी कूदूं, थोड़ी सी टीवी में लगाऊं एक्सरसाइज, इसको पटाऊं बच्चे को अपने, और हम दोनों मिलके थोड़ा सा चिल भी मार लें और एक्सरसाइज भी कर लें। तो आप लोग देखते रहिए हमारी एक्सरसाइज और हमारे साथ कीजिए एक्सरसाइज। तो लेट्स गो। हमारा आलू कीमा मटर जो है वो हो चुका है जी रेडी, और हमने इसके साथ बना ली है रोटी भी। टरन, ये हमारी रोटी रेडी हो चुकी है। अली रजा ने माशाल्लाह खाना खा लिया है, फैमिली भी खा लिया है। काफी टाइम से ना मैंने अंदर से ना इसकी ओवन की सफाई नहीं की है, तो अभी मुझे याद आया तो वकार ने मुझे जिस तरह से ट्रिक बताई थी ना वो ट्रिक मैंने अप्लाई की है, और उसके बाद अब मैंने इसको अच्छी तरह से साबुन वाले पानी से जो है ना इसको वॉश किया, और अब इसको मैं सोक कर रही हूँ। सफाई डीपली अंदर से किस तरह से होती है मैं आप लोगों को बताऊंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अभी जो है ना मैंने आधी सफाई कर ली थी, जो पानी वाला मैं आपको बता रही थी ना ट्रिक जो मैंने अपनाया, जिसकी वजह से इसमें स्मेल नहीं रहती। कोई भी चीज गर्म करो ना उसकी बदबू कभी भी आपके है ना ओवन में नहीं रहेगी, अगर आप वो पानी वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको बताऊंगी, बट मैं आधा करी थी, आधा रह गया था, तो इसलिए फिर मुझे याद आया अरे मैंने इसका वीडियो तो बनाया नहीं आप लोगों के लिए, तो फिर मैंने हाफ में ही बना लिया ताकि मुझे याद रहे कि नेक्स्ट मुझे आपको फुल इसका वीडियो बना के बताना है। तो जी अब हमारा जो है ना इसका ये रिंग जो है ये भी हमारा धुल चुका है, साफ हो चुका है, इसको हम लगा देंगे इसके अंदर ओवन। और ये जो है ना ये भी हमारा अच्छी तरह से, जैसे बर्तन हम धोते हैं ना इसी तरह से हम इसको भी साफ सुथरा अच्छी तरह से धो देंगे। इसको किसी टिश्यू से हमने साफ किया, इसको हमने टिश्यू लिया, टिश्यू खत्म, इतनी जल्दी टिश्यू खत्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता, खत्म टिश्यू, एक और टिश्यू खत्म, एक और टिश्यू है, दो टिश्यू रखती हूँ मैं अपने किचन में, एक रखती हूँ टॉयलेट पेपर टॉयलेट नहीं है बट वो पेपर उसको हम यूज कर लेते हैं गीले बर्तनों को पोंछने के लिए, और दूसरा टिश्यू रखते हैं हम बॉक्स वाला टिश्यू जो नॉर्मल टिश्यू होता है। सारा हो गया, मैंने जो है ना ये चावल भी गर्म करके रख दी है और ये रोटी भी मैंने रख दी है बना के, उसमें है सालन, ये तीनों चीजें मैंने रख दी है ऐसा के लिए, ऐसा जब भी आएगा जब भी उसको दिख जाएगा ओवन में गर्म करेगा और खा लेगा, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत तेज वाली नींद, और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़ा जल्दी सो जाऊँ क्योंकि दो तीन दिन से जो है ना बहुत लेट लेट सोना हो रहा है, तो नींद पूरी हो ही नहीं रही है, तो मजा नहीं आ रहा वो ना यू नो जो सुबह सुबह उठ के फ्रेश होता है ना वो नहीं हो पा रहे, सुबह लेट उठो ना तो बाकी दिन का पता ही नहीं चलता कहाँ गुजर जाता है, एक तो बज ही गया है, सोते सोते दो तो बज जाएंगे, दो फॉर्म साफ रही है, सो गए थे अभी मेरी आवाज से दोबारा उठे, मैं चीख चीख के आप लोगों से बातें करी थी ना तो ये उठ गए, मैं जा रही हूँ सोने, सोने जा रही थी हम करें कि उनको पिंग डूडू याद आ गया, बताओ एकदम से पिंग डूडू याद आता है और एकदम से पिंग डूडू खत्म भी हो जाता है, अब क्या हो गया भाई, पानी पिलाओ इसमें फिर इसमें और ऐड करो, वेट करो, टैन तो पिंग डूडू हो गया जी हमारे रेडी रेडी, शेक 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 गो, हियर यू, लेट्स गो टू स्लीप, पिंग टाइम, गुड नाइट टू एवरीबॉडी फ्रॉम साइड व्हाट। चलो जी अब हम फार्म को सुलाते, उसके बाद हम आपको करेंगे टाटा बाय बाय, ओके मुझे आज का दिन करती हूँ मैं यहाँ पे खत्म, फिर इसका लास्ट दी एंड अब आ रही है मुझे बहुत तेज वाली नींद, इनको सुलाने के लिए गई थी तो सोए नहीं उठ के बैठ गए, मुझे आने लगी हल्की हल्की नींद, तो अब मैं सोती हूँ और इसको भी सुलाती हूँ, ये सोए ना सोए बेरार मैं सो जाऊंगी। तो आप लोग अपना बहुत सारा वाला ख्याल रखना, वीडियो अच्छी लगी जिसको लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना और बेल का दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, अपना दुआओं में याद रखना, मिलेंगे हम टुमारो एक और नए दिन और नई उम्मीद के साथ, तो टाटा बाय बाय, सब बाय दुनिया वाले, चिक 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 चि